वह कौन सा मुजरिम था जिसे फांसी की सजा दी गई थी और वह फंदे पर लटकने के एक घंटे बाद भी जिंदा था? रंगा बिल्ला, जिसको फांसी पर लटकाने का सबको था बेसब्री से इंतजार। रंगा और बिल्ला यह दोनों वह खूंखार अपराधी थे जिन्हें नेवी अफसर के बच्चों के साथ रेप करके उन्हें मारने की जुल्म में फांसी दी गई थी और इन दोनों की फांसी में से एक की फांसी ने सबको चौंका दिया था। तिहार जेल में कई वर्ष तक कार्यरत रहे सुनील गुप्ता ने ब्लैक वारंट नामक अपनी किताब में लिखा है कि तिहार में वर्ष 1982 में रंगो और बिल्ला को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। फंदे पर लटकाने के दो घंटे बाद जब चिकित्सक फांसी घर में यह जांच करने गए कि दोनों की मौत हुई या नहीं, तो पाया गया कि रंगा की नाड़ी पल्स चल रही थी। बाद में रंगा के फंदे को नीचे से खींचा गया और उसकी मौत हुई। वैसे गाइस, रंगा और बिल्ला के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।